तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड शिव, जो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है सुपरवर्स चैनल के कॉर्नर वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। एंड इन टुडेज वीडियो मैं डिस्कस करूंगा द गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड के बारे में। नाउ आप में से बहुत सारे लोग ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, और जिन लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा उनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड वॉरहैमर 40,000 से बिलोंग करता है। नाउ ये वॉरहैमर 40,000 एक मिनिएचर वॉर गेम है जो बहुत पॉपुलर है अक्रॉस द वर्ल्ड। इस वॉरहैमर 40,000 या 40K में ये 40,000 उस टाइम को इंडिकेट करता है जिसमें ये स्टोरी टेक प्लेस करता है, इन द 40,000 ईयर, जो अभी से कंपैरिशन बहुत ही आगे है। सो दिस स्टोरी टेक्स प्लेस इन द फार फ्यूचर, जहाँ पर ह्यूमैनिटी कई सारे डिफरेंट क्रिएचर्स एलियंस को फेस करते हैं। नाउ इस वॉरहैमर 40K में द एम्परर ऑफ मैनकाइंड एक मोनार्क या एक किंग है जो इम्पेरियम ऑफ मैन को रूल करता है, जिसे तुम सिंपली इम्पेरियम बुला सकते हो। ये इम्पेरियम एक गैलेक्सी जितना बड़ा एम्पायर है, जहाँ ह्यूमनॉइड सिटीजन्स एंड सब ह्यूमनॉइड सिटीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड इस गैलेक्सी जितने बड़े एम्पायर द इम्पेरियम को द एम्परर ऑफ मैनकाइंड ने 10,000 साल पहले यानी द 38 मिलियना में बनाया था। द एम्परर ऑफ मैनकाइंड को द गार्डियन एंड द गॉड ऑफ ह्यूमनकाइंड बुलाया जाता है, एंड इसीलिए उसका नाम गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड भी है। द गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड इज द मोस्ट पावरफुल साइकर जो आज तक द एंटायर यूनिवर्स में बॉर्न हुआ है। साइकर का मतलब वो बीइंग्स जिनके पास साइकिक पावर्स या टेलीकाइनेसिस होती है। गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड 10 मिलियन यानी 10,000 ईयर्स से एक ही जगह में बैठा है, विद हिज शैटर्ड डीकेइंग बॉडी बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ सैक्रिफाइस फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीवन इन द गैलेक्सी। अभी भी द गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड मौत और जीवन के बीच जूझ रहा है, एंड वो बेयरली अलाइव है बाय द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड द सोल सैक्रिफाइस ऑफ द 1,000 साइकर्स एवरी डे। द गैलेक्सी के अक्रॉस ट्रिलियंस ऑफ लोगों के लिए द गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड एक गॉड है, एंड एम्परर के ही कारण द ह्यूमन रेस पूरे के पूरे मिल्की वे में द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस बन चुका है। गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड के पावर्स की बात करूँ तो उसके पास सुपर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टैमिना एंड अदर्स। एंड उसके पास बहुत ही खतरनाक लेवल की टेलीकाइनेटिक एंड टेलीपैथिक पावर्स है, क्योंकि मैंने जैसा कहा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकर है। एंड द गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड इमॉर्टल है, एंड उसके पास रीजेनरेशन की भी एबिलिटी है। गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड रियलिटी को भी अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है, एंड इसने पूरे के पूरे गैलेक्सी के सभी वेपन्स को मास्टर किया है। ये मार्शल आर्ट्स एंड अदर कॉम्बैट टेक्निक्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इसके पास जीनियस लेवल की इंटेलिजेंस है। इसके पास मैटर मैनिपुलेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, माइंड मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, कंसेप्चुअल मैनिपुलेशन, साइज मैनिपुलेशन, पोर्टल क्रिएशन, एक्जिस्टेंस इरेजर, कैजुअलिटी मैनिपुलेशन, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, रिपोर्टेशन, डायमेंशनल ट्रैवलिंग, पावर ऑब्जॉर्प्शन, कर्स मैनिपुलेशन, फिजिक्स मैनिपुलेशन, लॉ मैनिपुलेशन, पावर नलिफिकेशन, रेडिएशन मैनिपुलेशन, पॉइजन मैनिपुलेशन, हायर डायमेंशनल एग्जिस्टेंस, एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस फिजियोलॉजी एक्सेट्रा, और भी कई सारी पावर्स है। गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड ने द वॉइड ड्रैगन के साथ फाइट करके उसे मार्स में सील कर दिया था,
द वाइट ड्रैगन यूनिवर्स के लॉस को नेगेट कर सकता है, स्पेस टाइम को ऑन अ फंडामेंटल लेवल चेंज कर सकता है, एंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड उसने एंटायर सोलर सिस्टम्स को भी डिस्ट्रॉय किया है। जब से द गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड द गोल्डन थ्रोन के ऊपर बैठा है, तब से उसका कॉन्शियसनेस द रैप में कंटिन्यूसली द केयर्स गॉड के साथ फाइट कर रहा है और उनको होल्ड बैक कर रहा है फ्रॉम एंटरिंग द यूनिवर्स, क्योंकि अगर वो द यूनिवर्स को आ जाते हैं देन पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ ये केयर्स गॉड्स कितने ज़्यादा पावरफुल है ये जानने के लिए आपको वॉरहैमर 40,000 की कॉस्मोलॉजी जाननी होगी। सो वॉरहैमर 40,000 के कॉस्मोलॉजी में द यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स जितना ही पुराना है, ऑल्दो अ लिटिल बिट ओल्डर, बट उसका साइज इन्फिनिट है, एंड जो द यूनिवर्स का फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम कंटिन्यूम है वो एक हायर डायमेंशनल मेम्ब्रेन का एक पार्ट है। ऐसे ही इन्फिनिट डायमेंशनल मेम्ब्रेन्स द यूनिवर्स में एक्सिस्ट करता है जो द यूनिवर्स को हाई हाइपरवर्सल बनाता है, बट द यूनिवर्स में टियाओ वार्महोल भी है जो जिसे ट्रांस डायमेंशनल बताया गया है। सो द यूनिवर्स कैन बी हाई हाइपरवर्सल टू लो आउटर वर्सल, एंड देन देर आर लाइकली इन्फिनिट अमाउंट ऑफ यूनिवर्सेस इन द वॉरहैमर 40,000 मल्टीवर्स। बियॉन्ड द मल्टीवर्स इज द वार्प। द वार्प एक मेटाफिजिकल रेलम है जहाँ सेवरल डिफरेंट लेयर्स एक्सिस्ट करते हैं, एंड लाइकली वी कैन अस्यूम देर आर इन्फिनिट लेयर्स इन द वार्प। बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच लेयर? वेल, द फर्स्ट लेयर इज कम्पोज ऑफ इन्फिनिटी डायमेंशंस एंड द सेकेंड लेयर is beyond dimension, meaning the gap between each layer is the gap between a dimensional and an beyond dimensional being, जो एक outer versal gap है। यानी the warp में अगर infinite layers है, that would mean कि the warp एक extra versal या oneness structure है। ये एक short cosmology था, because we are say scaling God Emperor of Mankind, not the Warhammer 40k universe. Anyways, how would the Chaos God and where would the Chaos God scale in this cosmology? Well, Khorne, one among the four Chaos Gods, just chalne se hi the entire Chaos Realm ko shake kar sakta hai. The Chaos Realm mein koi bhi geography nahi hai and it is a structureless realm jisme fundamentally infinite layers hai, each layer being infinitely beyond the previous. ऑल्सो द केओस गॉड अपने मुताबिक द वॉर्प के लेयर्स को असेंड या डिसेंड कर सकते हैं, एंड इस कारण से द केओस गॉड्स द वॉर्प को स्केल करना चाहिए, एंड द गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड केओस गॉड्स को हजारों साल तक रोक सकता है फ्रॉम एंटरिंग द यूनिवर्स। सो गॉड एम्परर ऑफ मैनकाइंड ऑल्सो द केओस गॉड्स को स्केल करना चाहिए जो एक्स्ट्रावर्सल है। So in conclusion, the God Emperor of Mankind is one as extraversal tier. आप अपना opinion comments में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी entertaining और educative लगी हो तो इस वीडियो को एक thumbs up देके इसे अपने friends के साथ share कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही videos देखने के लिए subscribe करके bell icon को all पे set कर देना। So, मैं मिलता हूँ मेरे दूसरे वीडियोस में। Still then, stay tuned, stay off, and like always, farewell.